उधर यूक्रेन और रूस के बीच छिड़ी जंग में यूक्रेन की सेना ने यह दावा किया कि उसने उस ब्रिज को उड़ा दिया जिसके जरिए क्राइमिया से रूसी जवानों तक मदद पहुंच रही थी। और अगर यूक्रेन के दावे में सच्चाई है तो यह रूसी फौज के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं होगा, क्योंकि अगर उस तक क्राइमिया से मदद नहीं पहुंचेगी तो जंग लड़ना आसान नहीं होगा। यूक्रेन ने दावा किया कि ज़ापोरिज़्या में रूसी सेना को उसी ब्रिज के जरिए मदद पहुंच रही थी। बताया गया कि ब्रिज से रूसी सेना को हथियारों की सप्लाई की जा रही थी, लेकिन अब यूक्रेन की फौज ने उसे अपने भीषण हमले में तबाह कर देने का दावा कर दिया। ज़ापोरिज़्या पर पूरी तरह कब्जे के लिए रूस की सेना लंबे वक्त से लड़ रही है, लेकिन दावा है कि वो अब तक इसे अपनी मुट्ठी में नहीं कर सकी। वहीं रूस ने दावा किया कि यूक्रेन ने काला सागर में उसकी गैस पाइपलाइन को निशाना बनाते हुए हमला किया। रूस की सेना ने इसका एक वीडियो भी जारी किया जिसमें समंदर के बीचों बीच तैरते एक जहाज को निशाना बनाते हुए कई बम बरसाए गए। वीडियो में जोरदार ब्लास्ट के बाद धुएं का गुबार उठता दिखा। रूस ने दावा किया कि हमला उस वक्त किया गया जब उनका जहाज काला सागर में गश्त कर रहा था, तभी अचानक जहाज को घेर लिया गया और ताबड़तोड़ बम बरसाए गए। हालांकि रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि हमला नाकाम रहा और यूक्रेन की तरफ से किए गए इस हमले में कोई नुकसान नहीं हुआ। असल में इस पाइपलाइन के जरिए रूस तुर्की को गैस की सप्लाई करता है, लेकिन यूक्रेन ने रूस की गैस पाइपलाइन पर हमला बोला तो रूस की सेना ने यूक्रेन के कई लेपर्ड टैंकों को भी तबाह करने का दावा कर दिया। लेपर्ड टैंक ज़ेलेंस्की की सेना को जर्मनी से मिले हैं, जिनके दम पर यूक्रेन की सेना रूसी फौज से मुकाबला कर रही है, लेकिन रूस की सेना के मुताबिक उसने अपने भीषण हमलों में यूक्रेन के 7 लेपर्ड टैंकों को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। अगर रूसी सेना के दावे में सच्चाई है तो ये यूक्रेन के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं, क्योंकि इस जंग में ब्रिटेन के लेपर्ड टैंक यूक्रेन के लिए काफी मददगार साबित हुए। रूसी सेना ने यह भी दावा किया कि ज़ापोरिज़्या में भी उसने यूक्रेन की सेना को भारी चोट पहुंचाई। इस बीच यूक्रेन की खुफिया एजेंसी ने दावा किया कि रूस की सेना ने क्राइमिया में मौजूद एक केमिकल प्लांट के आसपास बारूदी सुरंगों का जाल बिछा दिया। पिछले कुछ महीनों से ज़ेलेंस्की की सेना लगातार क्राइमिया को टारगेट कर रही है, और पश्चिमी मीडिया का दावा है कि क्राइमिया पर लगातार होते ड्रोन अटैक से पुतिन बुरी तरह परेशान है। इस बीच यूक्रेन की खुफिया एजेंसी ने दावा किया कि पुतिन ने अर्म्यांस्क शहर में मौजूद एक केमिकल प्लांट के आसपास बारूदी सुरंगों का जाल बिछा दिया। यूक्रेन की मीडिया का दावा है कि पुतिन को इस बात का डर सता रहा है कि ज़ेलेंस्की की फौज कभी भी इस केमिकल प्लांट को निशाना बना सकती है, और अगर ऐसा हुआ तो वहां बड़ी तबाही मच सकती है, क्योंकि उस प्लांट में करीब 200 टन अमोनिया मौजूद है जिसके रिसाव की वजह से हजारों लोगों की जान जा सकती है। माना जा रहा है कि इसी वजह से रूस ने यूक्रेन की सेना को रोकने के लिए वहां बारूदी सुरंगें बिछा दी। उधर पूर्वी यूक्रेन में ज़ेलेंस्की के लड़ाकू हेलीकॉप्टरों ने रूस के ठिकानों पर जमकर रॉकेट बरसाए। यूक्रेन की सेना ने दावा किया कि इस हमले में रूस के कई सैनिक मारे गए। यूक्रेन के इस पूर्वी हिस्से में पुतिन और ज़ेलेंस्की की सेना के बीच पिछले कई महीनों से भीषण जंग छिड़ी है, और इसी कड़ी में यूक्रेन की सेना ने रूस के कब्जे वाले इलाके को हासिल करने के लिए आसमान से बमों की बारिश कर दी। यूक्रेन की तरफ से जो वीडियो जारी किया गया उसमें ज़ेलेंस्की की सेना का एक हेलीकॉप्टर रूस के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने के लिए उड़ान भरता दिखाई दिया। ऊंचाई पर पहुंचने के बाद उस हेलीकॉप्टर ने दुश्मन के ठिकाने पर निशाना साधा और ताबड़तोड़ रॉकेट बरसाने शुरू कर दिए। इन हमलों में दुश्मन के कई ठिकाने नेस्तनाबूद होते दिखे। यूक्रेन ने दावा किया कि जिस वक्त हमला किया गया उस वक्त वहां रूस के कई सैनिक और बख्तरबंद गाड़ियां मौजूद थीं।